अभी हम लोग गोकुल जा रहे हैं जहाँ कृष्ण जी पले थे। अभी हम लोग थोड़ा मूड फ्रेश कर लेते हैं, नींबू पानी पी लेते हैं। नींद आ रहा है दीदी? नाना बोला नशा में नशा पी लिए हम। मेरे को बहुत नींद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। घुसको तो तुम टुक टुक बचपन इसी घर के अंदर निकला था, यहीं पे यही यहाँ के जो राजा थे ना वो नंद राजा थे। ये यशोदा माता का जन्म भगवान का हुआ था मथुरा में, कंस के यहाँ जी। उनके पिताजी का नाम था वसुदेव जी। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को यहाँ लेकर आए थे यमुना नदी के रास्ते। तो यमुना जी ने भगवान के चरण छुए, नीचे उतर कर उनको रास्ता दिया, फिर इस घर के अंदर उनको छुपा कर दिया। उसी रात को नंद बाबा की एक पुत्री हुई थी जिनका नाम था योगमाया। यहाँ से उनको लेकर गए और जब कंस मारने लगा तब हाथ से छुटकर आकाश पड़े कि हे पापी तू मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला अवतार ले चुका है और पालने में झुका है। इतना बोलकर वो अंतर्ध्यान हो गई थी। विंध्याचल पर्वत पे जाके तपस्या की, वहाँ नाम पड़ा उनका बिंदावास। सभी जगह कृष्ण है, गोकुल में बाल कृष्ण है। यहाँ जो भाव है ना भगवान का वो बालक वाला भाव। यहाँ सभी लोग अपने हाथ से भगवान का झूला झुलाते हैं। इधर यहाँ पूजा वूजा ऐसा नहीं होता है, यहाँ तो केवल भगवान का झूला झुलाने के लिए पूरा संसार आता है। अंदर जाएंगे दर्शन करने, बैठ कर दर्शन करना, खड़े होकर दर्शन नहीं करना। अंदर बोलो नंद बाबा की जय। ये देखो नंद बाबा की कुल देवी है। यहाँ के जो राजा थे ना वो नंद राजा थे। जब इधर राजा याद रखते सभी ब्रजवासियों का पालन करते थे। 72 करोड़ गाय हुआ करती थी, सारे सुख थे उनके पास, संतान सुख नहीं था तो यहाँ बैठ कर तपस्या की। 60 वर्ष की उम्र में नंद बाबा के घर में बधाई, सभी ब्रजवासी उनको बधाई देने के लिए आए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलो नंद बाबा की जय। पहले अंदर दर्शन करेंगे फिर यहाँ आप लोग दर्शन करेंगे। बाल कृष्ण का घर अच्छा लग रहा है। आते
दर्शन करने के लिए सबसे पहले भगवान शंकर आए, साधु का भेद बना। यशोदा माता ने दर्शन नहीं कराए तो यहाँ बैठकर 3 दिन और 3 रात तपस्या की, तब जाके यशोदा माता ने दर्शन कराए। आप लोग यहाँ 3 दिन परिक्रमा लगा लेना, ओम नमो भगवते वासुदेव ऐसा मुख से जाप करोगे तो आपको 3 दिन और 3 रात का फल मिलता है। ऐसा लगा के आ जाओ। हाँ ना, 3 बार अभी हम लोग जा रहे हैं मथुरा, वहाँ पे फोन अलाउड नहीं है तो हम लोग कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, तो जितना हो सके दिखा देंगे आप लोगों को, बट हमारा फोन सब सबमिट हो जाएगा। अभी लौट के आमे जाओ, है ना, अभी दर्शन मेला करिए आप लोग, है ना। देखिए दीदी, इसका नाम है पोतरापना। जन्म के टाइम का, जन्म के प्रेगनेंसी का समय का जो गंदा कपड़ा होता है ना, वो यहाँ पे धोया गया था, इसीलिए इसका नाम पोतरा कुंड है। आप समझते हैं, पहले टाइम में जो पानी का स्रोत था या तो वो कच्चे तालाबों से आता था या कुएं से आता था, तो ये कच्चा तालाब था। 1839 में ग्वालियर के राजा सिंधिया ने इसको पक्का कराया सरकार। अभी यहाँ की सांसद हेमा मालिनी जी भी हैं, तो उन्होंने यह फाउंटेन लगवा दिया। ये रात को चलेगा 7:30 बजे, जैसे प्रेम मंदिर का लाइट चलता है ना दीदी, उसी हिसाब से चलता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, देव की मैया की जय। सुंदर म्यूजिक चल रहा है ना। पर बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ के। ये यहाँ पर पानी जब बच्चा होता है ना, जो गंदा कपड़ा होता है ना, वो यहाँ पे आके धोया जाता है। बस यहाँ पे धोया जाता था, तो यहाँ पे कृष्ण जी का भी धुलाया हुआ है, सही कुछ कहा था, तो यहाँ पे ये पहले कच्चा था पक्का बना। अभी हम लोग कृष्ण जी का जल स्थान देख कर आए, बहुत कुछ देख कर आए, याद ही नहीं है क्योंकि भुलक्कड़ हैं हम। अब हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। हम लोग वृंदावन पहुंच चुके हैं, बहुत सुंदर है ये, देखिए भीड़ कितना है। हम लोग थोड़ा गुपचुप खा लेते हैं।
कृष्णा। यही रह जाइए, मौसी यही रहना चाहती है। मौसी यही पर, मौसी भक्त बनना चाहना, मौसी मेरी यही रहना चाहती है और भक्त बनना चाहती है। 100 साल का तपस्या करना चाहती है। मौसी आप यही रह जाइए, भक्त बन जाइए। दिखाएगा साइज़